दोस्तों, हम नरवार में एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए बोर्ड आपको दिख रहा है, झंझारपुर जंक्शन से आगे की तरफ जाते हैं एनएच की तरफ, ये नरवार जो बोर्ड है वो आता है, यहाँ से नरवार गांव शुरू हो जाएगा। चलिए शेयर करवाते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको नरवार गांव का वीडियो दिखा रहे हैं, आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। तो शेयर करिए दोस्तों, घर बैठे अपने गांव को देखिए, नरवार को देखिए और मज़े लीजिए, एंजॉय करिए इस वीडियो को देखकर। काफ़ी दिनों से हमें रिक्वेस्ट मिल रहे थे कि नरवार का वीडियो दिखाने के लिए, तो आज हम सुबह निकले यहाँ का वीडियो दिखाने के लिए। तो ये देखिए नरवार का वीडियो, नरवार गांव कैसा है आपको इसमें दिखाई देगा। नरवार वैसे आपको याद ही होगा कहाँ है, क्या हुआ था पिछले साल। यहाँ पे जो दृश्य याद आता है तो काफ़ी दुखद होता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे बाढ़ की वजह से यहाँ बांध टूट गया था और गांव में पूरा पानी भर गया था, जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा। तो वो हम जगह आपको दिखाएंगे आगे कहाँ पे बांध टूटा था। ये देखिए यहाँ से कई सारे ऐसे रास्ते हमें दिखाई दिए, रास्ते में तीन तीन रोड तीन तीन तरफ के दिखाई दिए, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जाए, लेकिन हम जहाँ सीधा हमें लग रहा था हम उसी तरफ जाते गए आगे आपको वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि हर जगह देख रहे हम कहीं ना कहीं के लिए रोड टर्न हो जा रहा है, मुड़ जा रहे हैं वहाँ से आगे जाने के लिए। तो हम सीधे आगे बढ़ते गए आपको वीडियो दिखाते गए। देखिए आपका गांव कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, यहाँ की हवा, यहाँ की ताजगी काफ़ी बेहतर है। और ये देखिए ये एक राज्य के विद्यालय है, ये सरकारी स्कूल है। देखिए अभी बंद थे लॉकडाउन की वजह से, यहाँ पे ना बच्चे दिख रहे हैं, ना हेडमास्टर दिख रहे हैं यहाँ के, ना कोई टीचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में अभी स्कूल जितने भी है, प्राइवेट से लेकर सरकारी, सभी स्कूल बंद है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, और इसके दूसरे साइड में रोड के इस तरफ भी बड़ा स्कूल है, वो भी सरकारी स्कूल ही है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और देखिए पाठक टोल तक हम पहुंच गए, और पाठक टोल से आगे हम जा रहे हैं जहां पे ये बांध टूटे थे, हम उस तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो आपको वहां दिखाएंगे कि वहां पे कुछ कार्य हुआ है या नहीं अब तक, क्योंकि अब बारिश का मौसम फिर से आ चुका है। तो देखिए हम आ चुके हैं पुरंदहर टोल के पास, हम पहुँच चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ पर पिछली बार बांध का सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर हुआ था, और पानी जो इसी तरफ बह के आया था। तो आगे हम आपको दिखाते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि मिट्टी भराई का काम चल रहा है, और इस तरफ से जाएंगे तो मंदिर की तरफ हमें पहुँच जाएंगे मंदिर की तरफ। तो चलिए हम आपको बांध के ऊपर लेके चलते हैं, तो वहाँ पे कार्य देखेंगे, अभी भी लगातार चल रहे हैं, मजदूर भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। चलिए अब हम ऊपर चढ़ते हैं बांध पर। तो ये देखिए हम बांध पर आ चुके हैं, आपको उस तरफ टंकी दिख रही है पानी की, और पानी भी भरे हुए हैं। और इस साइड हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी लगातार काम यहाँ पे जारी है, अब बारिश का मौसम आ चुका है, फिर से बाढ़ का स्थिति बन सकता है, इसलिए यहाँ पे तैयारी में जुटे हुए सब। और ये देखिए पानी का जो बहाव था वो घरों को कितना नुकसान पहुँचाया, काफ़ी यहाँ पर घर टूट चुके हैं, बह भी गए हैं, आपको दिख रहा होगा कितना भयानक मंजर है ये, अब भी देख के सहम जाता है दिल। पिछली बार जो बाढ़ आया था, और सामने मंदिर भी आपको दिख रहा है पानी में जो डूबे हैं, वहाँ पे भी घर मकान थे जो टूट चुके हैं, बह गए इसमें। तो ऐसा फिर से ना हो इसमें यहाँ पे तैयारी में जुटे हुए हैं, बांध थोड़ा मोटा किया जा रहा है यहाँ पे मिट्टी का, लेबर लोग यहाँ पे जुटे हुए काम में। तो देखा दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हम आपको नरवार का वीडियो दिखा रहे थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।